नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। सरकार के 100 दिन, मोदी सरकार पेश करेगी रिपोर्ट कार्ड। आर्थिक हालात सुधारने के लिए भी कई बड़े कदम संभव। मोदी सरकार सितंबर के पहले हफ्ते में सत्ता में अपने 100 दिन पूरा कर लेगी। इस मौके पर मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां लोगों को बताने के लिए कई कार्यक्रम का भी आयोजित करेगी। इस दौरान देश की सुस्त आर्थिक हालात को गति देने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का भी ऐलान कर सकती है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी सभी मंत्रालयों ने अपने 100 दिनों के कामकाज का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा था। उसी परंपरा को दोहराते हुए इस बार सरकार लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां और कार्यों की योजनाओं का भी पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई। सीबीआई जुटी है पूछताछ में। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम की दूसरी रात भी सीबीआई की रिमांड में कटी। पी चिदंबरम की रिमांड मिलने के बाद से ही सीबीआई उनसे पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम के मामले में सुनवाई होनी है और अब उनकी उम्मीद के किरणें वहीं से फूट सकती है। सीबीआई को पी चिदंबरम की गहन पूछताछ की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि कार्तिक चिदंबरम और उनकी कंपनियों में ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में 21 अकाउंट है। इसके साथ ही कई दूसरे देशों में भी उनके ऐसे बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी हैं। 70 सालों में पहली बार देश में कैश की भारी कमी। नोटबंदी जीएसटी के बाद बदलते हालात। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 70 सालों में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कैश की भारी कमी की बात कही है। इसके लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया है। हीरो मास्टरमाइंड समिट में राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार ने कई कदम उठाए लेकिन गंभीर आर्थिक संगठन को देखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नोटबंदी, जीएसटी और आरबीआई के बाद हालात काफी बदल गए हैं। पहले करीबन 35% कैश उपलब्ध होती थी जो अब काफी कम हो गई है। इन सभी कारणों में स्थिति काफी जटिल हो गई है। भारत को मिला फ्रांस का साथ। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा आतंकवाद से मिलकर के लड़ेंगे, कश्मीर पर हो द्विपक्षीय बात। आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भारत को फ्रांस का साथ मिल गया है और पाकिस्तान को एक बार फिर से इंटरनेशनल स्तर पर झटका लग गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय ढंग से कश्मीर मुद्दे पर समाधान निकालना चाहिए और क्षेत्र में किसी तीसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने जम्मू कश्मीर पर भारत द्वारा लिए गए हाल के फैसले से अवगत कराया और यह भी बताया है कि यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा और उन्हें कहूंगा कि यह वार्ता द्विपक्षीय होनी चाहिए। ईपीएफओ का लाखों कर्मचारियों को तोहफा। ईपीएस एक साथ निकाल सकेंगे पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6.3 लाख पेंशनर्स को राहत दी है। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि में कुछ हिस्सा एक मुफ्त लेने की व्यवस्था फिर से बहाल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से उन पेंशनर्स को लाभ मिलेगा जिन्होंने कंप्यूटेशन व्यवस्था का लाभ चुना था और 2009 से पहले रिटायरमेंट का एक मुफ्त राशि पाए थे। इसके साथ ईपीएफओ ने 2009 में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन, पाकिस्तान को जमकर के लताड़ा। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में एक लंबी बहस चल रही है। बहस के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को जमकर के लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत सैम ब्राउनबैक ने कहा है कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं से पीड़ित है। साथ ही चीन के धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यापक और अनुबंधित प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं, इसे लेकर के हम चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि हम चीनी सरकार से उस राष्ट्र के सभी के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। वहीं दुनिया भर के देशों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से धार्मिक नफरत खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम के खिलाफ घृणा, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समुदायों के उत्पीड़न की भावनाओं को खत्म किया जाना चाहिए।